मंडी जिला मुख्यालय पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड इम्प्लाइज यूनियन की मंडी इकाई ने बिजली बोर्ड के विघटन के प्रस्ताव के विरोध में रोष व्यक्त किया। HPSEB इम्प्लाइज यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि प्रदेश भर में बिजली बोर्ड के विघटन के विरोध में इम्प्लाइज के द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड को बिजली कानून 2003 के प्रावधानों के अनुरूप 2010 में पुनर्गठित किया गया था, लेकिन 8 साल का समय बीत जाने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड को फिर से विघटित करने जा रही है। बिजली बोर्ड के अंदर 66 केबी से लेकर 220 केबी तक जो सब स्टेशंस और लाइन्स हैं उनको HPTCL को हैंडओवर करने जा रहे हैं और पावर हाउसेज को भी HPPCL को हैंडओवर करने की योजना विचाराधीन है। कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि HPSEB इम्प्लाइज यूनियन प्रदेश भर में लोकतांत्रिक तरीके से बिजली बोर्ड के विघटन का विरोध करेगी। बिजली बोर्ड को बिजली कानून 2003 के प्रावधानों के अनुरूप सन 2010 में पुनर्गठित किया गया था, लेकिन आज 8 साल का समय गुजर जाने के बाद हिमाचल सरकार इस बिजली बोर्ड को फिर से विघटित करना चाह रही है। बिजली बोर्ड के अंदर 66 केवी से लेकर के 220 केवी तक के जो सब स्टेशन और लाइन्स हैं उनको HPTCL के हैंडओवर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो जनरेशन विंग है, जो हमारे पावर हाउसेज हैं, इनको भी HPPCL के हैंडओवर करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हम हिमाचल सरकार से जानना चाहते हैं कि HPSEB लिमिटेड के पास कुल मिलाकर के करीब 2200 करोड़ के सेट्स हैं, जबकि बिजली बोर्ड के कुल 6600 करोड़ के सेट्स हैं। बाकी सेट्स HPPCL और HPTCL में अगर चले जाएंगे तो बिजली बोर्ड का आज 23,000 से ज़्यादा पेंशनर है, इसकी लाइबिलिटी कौन ऑन करेगा। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि भविष्य में भी जो रिटायरमेंट होने जा रही है इनकी पेंशन की जिम्मेवारी कौन लेता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट हिमाचल सरकार ने 2010 के अंदर साइन किया है उस एग्रीमेंट के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ ना की जाए। अगर सरकार फिर भी इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करती है HPSEB इम्प्लॉयज यूनियन लोकतांत्रिक तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर विरोध करेगी और किसी भी हद तक जो अपने संघर्ष को आगे ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।